शनिवार देर रात 10 बजे फिर गाजीपुर के लिए एक झटके की खबर आई है। देर रात आए कोरोना टेस्ट में गाजीपुर में फिर नए मरीज मिले हैं। गाजीपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित 5 नए मरीजों की पहचान हुई है। आइए आपको इन मरीजों के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक मरीज की उम्र 21 साल है और वो नंदगंज थाना के बलेसड़ी के रहने वाले हैं। वो मुंबई से गाजीपुर आए थे। दूसरे मरीज की उम्र 20 साल है और वो सकडीहा चहनिया स्थित नादिक गांव के हैं। ये भी मुंबई से ही गाजीपुर आए हैं। तीसरे मरीज की उम्र 18 साल की है और इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की ही है। ये मोहम्मदाबाद के बखारीपुर के रहने वाले हैं। चौथे मरीज की उम्र 32 साल है और वो दिल्ली से गाजीपुर लौटे हैं। ये नगर कोतवाली के डेवरा चक फैज के रहने वाले हैं। पांचवें मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री केरल की है और उनकी उम्र 25 साल है। ये शख्स रौजा स्थित कुपूरपुर देहाती के रहने वाले हैं। इन 5 नए मरीजों के मिलने से गाजीपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 160 हो गई है, जिसमें से कुल 70 मरीज ठीक हो चुके हैं और 90 एक्टिव केसेस अभी भी हैं। आपको बता दें कि यूपी के 75 जनपदों में 3,927 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। अब तक 5,908 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। यूपी में ग्राम एवं मोहल्ला निगरानी समितियों के द्वारा निगरानी का कार्य सक्रियता से किया जा रहा है। आशा वर्कर्स द्वारा प्रदेश भर में अब तक 13,19,004 कामगारों श्रमिकों से उनके घर पर जाकर संपर्क किया गया, जिनमें से 1,163 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण पाए गए हैं। अब तक 1,07,678 सर्विलांस टीम द्वारा यूपी के 83,10,909 घरों में 4.22 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। केंद्र सरकार ने अपील की है कि लोग संकोच न करें, एक जिम्मेदार नागरिक बने। कोविड 19 से संबंधित किसी भी तरह के संदेह के मामले में 1075 टोल फ्री पर कॉल करें। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।